तो भाइयों गुड इवनिंग, बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कि पिछले वीक में क्या रहा और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो ये आपका 4 तारीख तक है, 4 अगस्त। इसमें ना एक बार आप लोग सुन लेना, ये जो चीजें लिखी हैं मैं इसलिए बनाना बंद किया है वीडियो बोर्ड पे कि आप लोग वो चीज सुनते ही नहीं हो। भाई इसका स्क्रीनशॉट लिया और बोला हो गया मार्केट, ऐसे नहीं होता। चीजों को सुनो, मैं जल्दी बनाऊंगा, 4-5 मिनट में कवर कर दूंगा वीडियो, ठीक है? तो इसको पहले सुन लेना, ये नहीं स्क्रीनशॉट लिया और भाग गए। सुनते नहीं हो इसलिए परेशानी आती है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग, ये टेलीग्राम चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, आप चाहते हो आपको फायदा चाहिए तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं डालता रहता हूँ मार्केट के अभी डाटा क्या चल रहा है, उसके हिसाब से बाई और सेल आप कर सकते हो। अगर आपको दिया जाता है कि डाटा नेगेटिव है पुट खरीदो, पॉजिटिव है कॉल खरीदो। कोई दिन ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव निफ्टी, वो दिन खराब होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि फायदा उस दिन नहीं होगा। तीनों एक साथ चलते हैं जब भी फायदा होने के चांस होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज इस वीक के लिए, पहले ग्रह संयोग की बात करते हैं। तो 7 अगस्त को शुक्र जो है कर्क राशि में भी जाएंगे और अस्त भी होंगे और वक्री पहले से चल रहे हैं, ठीक है? तो ये एक इवेंट है ग्रहों का। दूसरा मेरा कहना यह है कि आप लोग देखो, पहले एक दौर आया था जब मैंने आपको बताया था कि आप इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक में काम करो। जो भी स्टॉक है मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, इसके बाद मैं सेक्टर बताऊंगा, वहां आप काम करो फ्यूचर वगैरह या जिसमें भी करते हो। ये मेरा कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, उसके अंदर मैं ज्योतिष के आधार पर बता रहा हूँ और कोई ज्यादा सेक्टर नहीं, सिर्फ एक सेक्टर आपको बता रहा या शेयर मान लो आप, ठीक है? तो मैं आपको अभी शुरू करता हूँ, आप भूल जाओ, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ये टाइम से वीडियो मिल जाए, ठीक है? या हो सकता है मैं कल सुबह राशि वाला डालूंगा, फिर आप बोलते हो गुरुजी आपने डाला नहीं, वो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को नहीं दबाओगे। पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, ये हो गए ग्रह। दूसरा मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में जो है काम मत करो इस वीक भी, ज्यादा बढ़िया नहीं दिख रहा है हमें, वो घूमेगा जहां से वो आपको फिर पता नहीं लगेगा। इससे स्टॉक में काम करो इस वीक भी, अगला वीक से मार्केट आपके फेवर में आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है? 31 को पैरेलल योग बनता है, दोनों साइड के योग है, मेरे को तेजी दिखती है वैसे, पर वहां पर 15 मिनट की कैंडल काम करना, हो सकता है कि मार्केट वन साइडेड रहे, तेजी होगी तो तेजी रह सकती है, पर बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। गुरु जी आपने बोला था तेजी में तो बैठा रहा, मार्केट गैप भरने आता है, अगर गैप नीचे छोड़ जाता है तो घूम के प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, तो फिर आपकी जो ट्रेड है ना, गैप नहीं भरा जाता तो 2 बजे 2:15 बजे ट्रेड बनती है, 2:15 बजे के बाद करो, बीच वाला जो टाइम है उसको छोड़ दो। 1 अगस्त को अपसाइड रह सकता है, ये टाइमिंग है 11:40। 2 अगस्त को मिक्स टू पॉजिटिव, ये 13 बजे का टाइम है। 3 अगस्त को अपसाइड रह सकता है मार्केट, ये टाइम आप चेक कर लेना, मैं नहीं बोल रहा तेजी मंदी के 9:50 और 12:50, ठीक है? अभी गोल्ड सिल्वर में क्या हो सकता है, ये सेक्टर मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा, इसमें एक 74,000 का चांदी का लेवल है, तकरीबन वहीं हम बंद हुए हैं। इसके ऊपर रहता है तो आपको 1000 से 1200 पॉइंट मिल जाएंगे, इसके नीचे भी जाता है तो पहले 1000 मिलेंगे, 73,400, फिर 73,400 को तोड़ता है तो 2000 पॉइंट नीचे के मिलेंगे, तो आपके जो लेवल हो गए जहां बंद है इसके ऊपर रहता है 1,25,000 बनेंगे, शॉर्ट करो। इसके नीचे जाता है तो सपोर्ट 73,400 पे आएगी, उसको तोड़ता है फिर शॉर्ट करो, 2000 पॉइंट बनेंगे, ठीक है?
गोल्ड आपका ठीक है, गोल्ड में कोई शॉर्ट वॉट नहीं करना है आपने, जब गिरता है बाइंग करना है। नेचुरल गैस बायोडिप्स रह सकता है, 207 इसका जो अभी सपोर्ट बनता है, शायद 1415 पे, 215 पे बंद हुई है चांदी, ये नेचुरल गैस, इसको बायोडिप्स में रखो। मैं काफी पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था इसके ऊपर, भाई वही लेकिन सेम चल रहे। BTC कंसोलिडेट है, कोई बड़ा मूव नहीं है इसमें, 16-17 तारीख के बाद शायद मूव आएगा। अभी सेक्टर में मैं आपको बोलना, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की सेमी होती है, कुछ में प्राइवेट की भी हिस्सेदारी होती है और गवर्नमेंट की, वो वाली कंपनियों पे आपने फोकस करना है। तो वो एक तो PSU बैंक में आ जाते हैं, एक PSU कंपनी है, वो 15-16 शेयर है, ठीक है। जैसे उसमें मैंने ऐसे ही लिखाया, RAC है, PFC है, व्हील है, NTPC है, जेल है, ये वाले जो शेयर हैं इनको देखो। और तुम्हें करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है, जो शेयर पिछले वीकली चार्ट के ऊपर, जैसे पिछले वीक में यहाँ क्लोज हुआ है कोई, ठीक है, इस वीक यहाँ पे जो क्लोज है उनको बाय कर सकते, बात समझ के। कोई फारसी नहीं बता रहा, कोई टेक्निकल नहीं बता रहा आपको, सिर्फ एक बात बता रहा हूं, वीकली चार्ट खोल दो, उसमें वो शेयर का नाम डालो, देखो जो पिछले वीक से ऊपर बंद हुए हैं वो देख लो, तो ज्योतिष के हिसाब से ये कंपनी आपकी तेजी की बनती है। और भी काफी शेयर है इसमें, देख लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है, गुड टाइम फॉर जॉब पर्सन, ये जॉब वालों को मार्केट में पैसा, कुछ ग्रह संयोग ऐसे बन रहे हैं जो भी जॉब करते हैं, सरकारी है प्राइवेट जॉब है, उनको इसमें फायदा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, खास करके 15-16 में, ठीक है। तो वो जो काम करते हैं देख लेना, इंडेक्स में काम मत करना, क्या बोल रहा हूं, इंडेक्स में काम मत करना, स्टॉक में करना, फ्यूचर में या कैश में, जो भी करना है, ठीक है। इसके बाद मैं लेवल बता देता हूं, निफ्टी 19,500-19,600 के करीब पे बंद हुआ है और 19,985 ये रेंज रह सकती है आपकी। अभी देखो ये पिछले वीक का ही लिखा हुआ है, निफ्टी 19,730 के नीचे जाता है आपने पक्का शॉर्ट करना है, इसके ऊपर जाता है आपको 840 मिलेगा, इस पे भी रिस्क लेके कर सकते हो शॉर्ट, लेकिन इसके ऊपर 19,840 के ऊपर अगर बंद होता है तो आप ये सोचना मार्केट आपका 20,200 और 20,400 आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। कितनी? 20,800 नहीं, 20,200, 20,400। अगर ये लेवल नहीं टूटता, इसके ऊपर बंद नहीं होते, फिर वो लेवल नहीं आएगा, और इसके ऊपर बंद होते हैं एक आध दिन, वो इसी वीक में होना है हमें, जो भी करना है। अगला वीक उतना बेटर नहीं है मार्केट के लिए, ऊपर के लिए, तो फिर वो लेवल आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल है लास्ट एस्ट्रो लेवल जो बनता है, वो बनता है 47,550 के करीब, तो वो लेवल कब आएगा, वो लेवल काफी दूर बाद आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हम 46,500 के ऊपर निकलेंगे जब 47,500 आने की उम्मीद है, नहीं तो यहां से तुम लोग क्या करते हो, महीना नया शुरू हुआ है उसमें आगे का खरीद के बैठ के जाओगे और वो वहां से ट्रैप कर देगा। तो इस बार जहां लेवल आएगा ऊपर कि भाई ये आ गया है यहाँ, मैं आपको पक्का उसमें डालूंगा, जो मेरा ये फ्री वाला चैनल है कि यहाँ पे आप लोग बाइंग करके लॉन्ग मत बनाना, आपके काफी शॉर्ट आते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, क्लियरिटी हो गई तकरीबन, ठीक है। पिछले में बताया देखो मार्केट कहाँ गया है, अगर आपने शॉर्ट किया होगा यहाँ के नीचे निश्चिंत होकर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक थोड़ा सा मार्केट ठीक दिख रहा है, अब ठीक में ये नहीं है बहुत बड़े ऐसे योग बन रहे हो जैसे, अब ये ठीक क्यों दिख रहा है ये भी बता देता हूँ। पिछले वीक में जो मैं पहले बताता था, मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ,
हमारे जो ये था जो इंडेक्स है ये कहीं ना कहीं ऊपर जाना था, उसको जो नीचे लाया गया वो किसी कारण से मेरे को पता नहीं, पिछला वीक हमारा मतलब पॉजिटिव था जो कि करीब 100 सवा 100 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है मार्केट। वीकली चार्ट पे देखो तो निफ्टी 100 सवा 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है जबकि उसको ऊपर जाना था। तो कम से कम हमारे माइनस 280 पॉइंट है बैंक पे, इस पे निफ्टी पे। तो मेरे को जो दिख रहा है कि ये पॉइंट हमारे वापस आने चाहिए। वापस आने की कंडीशन पहली ये वाली है, दूसरी ये है। अगर ये नहीं ऊपर जाता, आप जबरदस्ती मत बोलना मैं ये बताया था, ये ऐसा होता है, ये ज्योतिष है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है। हम 1.5 महीने से तकरीबन जैसा बोल रहे ऐसा हो रहा, पिछला वीक उसमें कम से कम 60% सही नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? 50 से 60% सही नहीं हुआ। सही कितना हुआ? 40-45% सही हुआ। समझ गए ना मेरी बात? तो मैं इसलिए ये चीज पिछले में भी बताई थी, उसमें क्या था कि जो योग थे वो छोटे थे, वो तेजी के थे, तो हम तेजी मानना। लेकिन जो मार्केट को नीचे लाया गया है वो नीचे नहीं आना चाहिए था मार्केट को, इतना मेरे को पता है। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, वो पैसे के दम पे क्या होता है, FII ने सेलिंग कर दी दवा के, जो उनके फ्यूचर लॉन्ग थे दवा के काटे एक एक दिन में 70,000 एक्सपायरी वाले दिन। मार्केट गिरेगा, ज्योतिष चाहे कुछ भी कर ले। मैं कहता है एक आदमी देखो, होती तो सारी चीज वही है जो परमात्मा ने लिखी है या होने वाली है, ठीक है, ज्योतिष भी वही बोलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो छोटी चीज है वो बड़ी हो जाती है। बात समझ गए? मतलब जहां हम देख रहे हैं यार ये थोड़ा बढ़ेगा, 50-40 पॉइंट ऊपर रह सकता है। इसलिए पिछले मार्केट में देखो अप डाउन में अप था, मतलब डाउन भी था अप था। ये नहीं था ऐसे कि अपसाइड रहेगा, तेजी रहेगी, मिक्स टू पॉजिटिव, इस टाइप के वर्ड कम थे उसमें अगर देखा हो तो, वो इसलिए था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज भी आपको समझा दी है। ठीक, ये प्रीमियम ग्रुप है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, स्टॉक में करते हैं, कॉमोडिटी में करते हैं, जिसमें करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। कुंडली आपकी किसी भी टाइप की आप दिखा सकते हो, ठीक है, उसमें बड़े सटीक उपाय दे देते हैं जिनसे आपको फायदा होता है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको, ये गुड टाइम फॉर जॉब वालों के लिए 15 दिन। अगर कुछ नहीं मिलता, मैंने ये सेक्टर आपको बताया हुआ है, इसमें आप काम करके देख लेना। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर का आपको नाम दूं तो वो मिक्स टाइप के बनना है ग्रह संयोग से, ऐसे नहीं बनने के अभी फार्मा चल जाएगा ऊपर ही जाएगा, IT ऊपर जाएगी, ठीक है, वो चीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं लास्ट में बता देता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।